तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी इधर पे कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इस वाले वीडियो में आपको बताऊँ कि आपने जो आर्टिकल लिखा है ना उसको प्रमोट कैसे आप कर सकते हो, तो वो भी मीडियम और क्वेरा पे। और मैं आपको इधर पे ट्रैफिक प्रूफ भी दिखाऊंगा। और अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको ये बताया कि एक ऐसा आर्टिकल कैसे लिखे जो कि आराम से रैंक हो जाता है, जिससे आप अर्निंग भी अच्छे से कर सकते हो, तो वो वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि आप कैसे अपने आर्टिकल को प्रमोट कर सकते हो। तो इधर पे अभी मैं आप बताता हूँ कि आप मीडियम को कैसे यूज़ कर सकते हो। मीडियम एकदम फ्री वेबसाइट है, आपको यहाँ पे बस अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है। आप अपना जीमेल भी इधर पे यूज़ कर सकते हो और उससे जो है आपका एक मीडियम अकाउंट बन जाएगा। मीडियम में क्या, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो अथॉरिटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, मतलब इसका DA और PA बहुत ही ज़्यादा है और इसमें बहुत सारी आर्टिकल्स है, इसलिए गूगल इसको बहुत ही अच्छे से वैल्यू देता है। तो आप अगर किसी भी कीवर्ड के लिए काम कर रहे हो ना, तो आप जैसे कि समझ लो आपने एक कीवर्ड पकड़ा, उसके ऊपर आपने अपने वेबसाइट से एक आर्टिकल लिखा, तो उसको रैंक होने में जैसे 8 महीने लग रहा है, मीडियम पे वही सेम पोस्ट अगर आपने सेम मेहनत के साथ लिखे ना, तो वो विद इन 1 मंथ जो है गूगल पे रैंक हो जाता है। एंड ऐसा मैंने खुद करके इधर पे जो है देखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे इधर प्रूफ, तो आप देख सकते हो Redmi 6A फ्लैश फाइल एक्जोमी रेडमी, ऐसे करके आप देख सकते हो ये वाला जो है गूगल पे रैंक हो गया था एंड इस पे 182 जो है व्यूज़ आए ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इधर पूरा देख सकते हो एंड इधर पूरा लिखा हुआ है कि इंटरनल, इंटरनल मतलब कितना मीडियम से आए लोग, तो मीडियम से आप देखते हो 3% एंड 97% जो एक्सटर्नल यानी गूगल से लोग होकर के आए। ठीक है, इधर पे आप देख सकते हो पर लिखा हुआ है कि 176 व्यूज़ जो है गूगल से होकर के आए। और आप इधर पूरा देख सकते हो व्यूज़ बाय ट्रैफिक सोर्स और गूगल का आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो सब कुछ। ठीक है, तो इधर पे आपको ये सारी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फिर याहू सर्चेस से भी आता है, तो यहाँ से मतलब कि अगर आप मीडियम पे कोई भी आर्टिकल लिखते हो तो गूगल पे ज़रूर रैंक होगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई एफिलेट पोस्ट लिख रहे हो या फिर अपने वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा रहे हो, तो आप मीडियम को यूज़ करो। मीडियम पे आप सेम वही आर्टिकल लिखोगे, रिलेट करोगे एंड बोलोगे कि भाई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे एक और पोस्ट को जाके पढ़ लो, या फिर आप एफिलेट लिंक लगा दोगे, अब लोग वहाँ पे जाएंगे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आपको इधर पे एफिलेट सेल मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो आपके वेबसाइट में वो ट्रैफिक आ जाएगा, लोग ज़्यादा पढ़ने के लिए आएंगे एंड तब आपके एड्स दिखेंगे, आप ज़्यादा अर्निंग करोगे। तो ऐसे करके आप मीडियम को आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इधर पर ट्रैफिक प्रूफ दिखा रहा हूँ कि गूगल से कितना परसेंटेज ये सब आया है, व्यूज़ आप पूरा देख सकते हो, तो मैं आपके सामने फ्रंट पे रख दे रहा हूँ एंड आप ये सिंपली कर सकते हो। ठीक है, और इधर पे आप देख सकते हो कैसे करें ग्रोथ हुआ। फर्स्ट तो मैंने इधर पे लिख दिया था एंड फिर देख सकते हो September 1 से, ठीक है, September 1 से जो है ये एकदम बूस्ट पे जाना शुरू हो गया एंड उसके बाद जो है ये फ़ोन का जो है वर्जन पुराना हो गया, तो उसके बाद ये ज़्यादा कोई देखता नहीं है। अगर देखो फ़ोन एकदम लेटेस्ट है तो उसके फ्लैश फायर ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, तो उस हिसाब से जो है ट्रैफिक अप डाउन होते रहता है। तो आपको एवरग्रीन जो इधर पे चीज़ें करनी चाहिए एंड आप देख सकते हो पूरा ट्रैफिक जो अच्छे से आ रहा है, तो आप मीडियम पे आराम से काम कर सकते हो, मीडियम आराम से रैंक हो जाता है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मीडियम पे मैंने आपको दिखाया मेरा ट्रैफिक प्रूफ। मीडियम पे अकाउंट बनाने का देखो आपको जस्ट सिंपली इधर पे आना है राइट स्टोरी पे। ठीक है, राइट स्टोरी में आपको यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड डालना है और इधर पे लिखना शुरू कर दो। आप इधर पे जो इमेजेस डाल सकते हो बहुत ही सिंपल है एंड अपनी खुद की जो है लिंक भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूँ एंड ऐसे करके जो मेरे को लिंक डालने के इधर पर ऑप्शन मिल जा रहा है, तो आप एक लिंक भी डाल सकते हो। तो आप अपनी पोस्ट का लिंक डाल दो कि भाई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले, रीड मोर कर लो और लोग आपके वेबसाइट को चले जाएंगे, फिर आप इधर से पब्लिश कर सकते हो। बहुत ही सिंपल रहता है, इसलिए मैं मीडियम को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एंड उसके सेकेंड जो मैं यूज़ करता हूँ वो है क्वेरा। क्वेरा को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो क्वेरा पे भी बहुत ही अच्छी व्यूज़ आए थे, आप देख सकते हो 3.3K व्यूज़ एंड रीड मोर करके मैंने यहाँ पे एक लिंक लगाया। अभी मैंने इस लिंक को पूरा चेंज कर दिया आपको दिखाने के लिए जस्ट, तो आप देख सकते हो कि इधर पे व्यूज़ आ रखे हैं, तो लोग अभी मेरे रिव्यू वाले पोस्ट को देखने जाएंगे। मतलब समझ लो कि कोई नया फ़ोन आया मार्केट में, आपने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया अभी, फिर आप गए क्वेरा पे, क्वेरा पे भी आपने उसके क्वेश्चन डाले या फिर जो क्वेश्चन ऑलरेडी डले हुए थे उनको आपने क्वेरा पे आंसर किया और वहाँ पे लिंक डाल दी, जैसे मैंने ये लिंक डाली। ठीक है, तो लोग आपके वेबसाइट के ऊपर चले आएंगे, ये मेरी लिंक है, ओके। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, आप इधर पे देख सकते हो कि आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है इधर पे फॉलो करने का एंड खुद का आंसर लिखने का, अभी मिल नहीं रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर पे अपना आंसर डाल रखा है। अभी फॉर एग्जांपल मैं किसी और क्वेश्चन पे चले आता हूँ, तो मैं इस पे चले गया। ठीक है, इस पे देख सकते हो कि 1000 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो मैं आंसर पे क्लिक करता हूँ, फॉलो 8 लोग करें, मतलब 8 लोगों को तो ये आंसर आराम से दिख जाएगा। तो जिसके फॉलो ज़्यादा हो उस क्वेश्चन को आप ज़्यादा आंसर करो। आप देख सकते हो, तो इधर पे एक चीज़ बता देता हूँ, क्वेरा पे इमेजेस बहुत मैटर करता है, मतलब इमेजेस अगर इंटरेस्टिंग रहती है आपकी तो लोग ज़्यादा देखते हैं,
क्योंकि उनको सिर्फ पढ़ने का मन नहीं करता, देखने का भी मन करता है। तो आपको इमेज सबसे पहले पुट करना है, फिर लिखना शुरू करना है एंड फिर सबमिट कर दो। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखो, क्योंकि क्वेरा पे सब पढ़ने के लिए आते हैं, ये बहुत ही मेन है। तो ये क्वेश्चन है उसका आंसर करो, सबमिट कर दो, एकदम सिंपल। एंड इधर पे आप लिंक भी डाल सकते हो, जैसे कि आपको देखने को मिल जा रहा है, जैसे मैंने लिंक डाल के आपको इधर पे बताया था। तो क्वेरा से बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक जो है मेरे को मिल जाता है, फिर मीडियम से भी मैं लाता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने आपको मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट अकाउंट्स दिखाए, तो ऐसे करके सिंपल वे में जो है आप इधर पर यूज़ कर सकते हो मीडियम को एंड क्वेरा को। मैंने आपको मेरा ट्रैफिक का जो स्टैट रहता है वो दोनों का ही दिखा दिया, तो आपको बस एक सिंपल वे में यूज़ करना है। अब देखो इधर पे आप स्पैम मत करो, आपको मतलब 200-300 वर्ड का तो लिखना ही चाहिए। एंड ऐसे करके जो है आप इजीली ग्रो कर पाओगे अपने एक नए वेबसाइट को। एकदम सिंपल है, मैंने आपको दिखाया मेरे पूरे स्टैट्स एंड आप इनके ऊपर पूरा अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप 5 महीने तक रेगुलर बेसिस पर अगर कॉन्टेंट डालते जाओगे क्वेरा पे, मीडियम पे, तो आपकी वेबसाइट पे आपको जो ट्रैफिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। और आपका उन्हें बता सकते हो कि आपको ये सोर्सेस कैसे लगे। मिलता है अपनी वीडियो साथ, तब तक ले एक छोटा सा ब्रेक। और जैसे कि मैंने कहा था कि छोटी वीडियोस में आपको मैं जो है अच्छी बातें इधर पे सिखाऊंगा, तो वही मैंने आज के वीडियो में आपको करके दिखाया।